हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो स्वागत करते हैं डी आराधना की दुनिया में। तो देखिए, कल वाला वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि हम बाढ़ पहुंच गए थे और कैसा मेरा घर है वो भी हम दिखाएं, कैसे मैं इस वक्त क्यों ऐसे घर में हो रहा है, फिर पूरा घर बना भी नहीं है, और मतलब पूजा क्यों हो रहा है, गृह प्रवेश क्यों हो रहा है। मतलब इसको गृह प्रवेश नहीं बोलते, ये पूजा ही है। गृह प्रवेश एक्चुअली हुआ नहीं है, क्योंकि गृह प्रवेश में बहुत सारा बजट, बहुत बजट मतलब खर्चा बहुत ज़्यादा होता। तो मेरे मम्मी पापा बोले कि उतना मेरा बजट है नहीं खर्च करने का। तो बस हम लोग का क्रिएटिविटी था कि ये छोटा मोटा मतलब इस तरीके से करें ताकि अच्छा लगे, हम लोग को, मम्मी पापा को भी अच्छा लगे। तो बस इसलिए ये थोड़ा बहुत हुआ है, बाकी ऐसे पूजा ही है। और तो देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए। और वीडियो के अगर मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग की है मेरी दीदी की बेटी, और उसको इस तरीके से की है, शॉर्ट वीडियो जिसे बनाते हैं इस तरीके से की है। तो इसके लिए सॉरी, छोटा छोटा दिख रहा है एकदम। और तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय कीजिए वीडियो को, है ना। फिर मिलते नहीं है वीडियो में, तो आप हमको देखेंगे ही। बाकी और कोई आया था नहीं, जो बाकी सब मोहल्ले वाले ही हैं और हम तीनों चारों बहन आए थे। तो देखिए, सब अंदर आ गए, और ये जो बगल की सब भाभी लोग हैं, और ये मंझली वाली मेरी दीदी खड़ी हुई है, आप लोग पहचानते ही होंगे क्योंकि बहुत सारे वीडियो में दिखाए हैं। और ये मेरी, देखिए, पूजा का तैयारी होने लगा है। यह मेरी छोटी बहन, ये मेरी, मिलवाने का ऐसा मौका नहीं मिला क्योंकि सब आए और उसके बाद पूजा। ये मेरी दीदी है, ये बड़ी वाली दीदी की बेटी है, और ये मेरा छोटा भाई, ये भी गया। तो मिलवाने का किसी से मौका नहीं मिला, और ऐसे भी वो लोग ज़्यादा वीडियो में आना नहीं कोई चाहता है, तो हम ऐसे भी नहीं लेते किसी का वीडियो। और यहाँ पे देखिए, पूजा का तैयारी अभी हो रहा था, पूजा एक्चुअली हुआ नहीं, दो घंटे पूजा लग गया। और ये मेरी बड़ी वाली दीदी खड़ी हुई थी और खड़े हुए थे, और ये जो ब्लू साड़ी में है वो मेरी भाभी, और जो पीला वाली साड़ी में थी वो मेरी छोटी बहन। मतलब ये हम यहाँ पे शायद हम किए नहीं, मेरी बहन की बेटी ही कर रही थी, यह चारों पट्टी दिखा रही थी, उसको हम बोले भी थे। यहाँ पे देखिए, हम खड़े हैं और बड़ी वाली दीदी खड़ी हुई है, और छोटी बहन की बेटी बाहर गई। तो कोई आना नहीं चाहता उतना कैमरा में, वीडियो में, तो बस इसलिए हम किसी का उतना लेते नहीं प्रॉपर तरीके से। बस ऐसे में आ गया तो आ गया, ओके है, और कुछ नहीं। और सब मना करते हैं, वीडियो डालने के लिए भी मना करते हैं, लेकिन मेरा रहता है कि चलो वीडियो डालते हैं। और यहाँ पे देखिए, मेरा छोटा वाला बहन ही चूल्हा बना रहा था मिट्टी का, क्योंकि जब गृह प्रवेश होता है या पूजा हो जाता है नया घर का, तो उसमें खाना बनना स्टार्ट होना ज़रूरी होता है, कुछ भी बना दो। तो यहाँ पर चूल्हा वही बना रहा था, ये छोटा, मेरा छोटी बहन का हस्बैंड ही है, और ये लंबा था तो यहाँ पे फूल वाला बना नहीं था, तो ये वाला टांगने उसी को बोले। और ये देखिए, ये तोरण हम बना रहे थे, लेकिन इतना ना उलझ गया, और ऊपर में काम लगा हुआ था, मिस्त्री जी ऊपर में काम ही कर रहे थे, तो चारों पट्टी उसको बांध नहीं पाए क्योंकि उलझ गया था धागा एकदम पूरा, सूतरी था नहीं, सूतरी से बना नहीं, धागा से हम खुद बनाए थे, तो तोरण उलझ गया इतना, तो ताड़ में बस। और मिस्त्री लगा हुआ था घर में, ऊपर में काम हो रहा था, मिस्त्री जी लगे हुए थे, तो बस यहाँ पे देखिए प्रसादी बन रहा है। और हम लोग के यहाँ ना प्रसादी बनता है, हम लोग की तरफ घोरा हुआ प्रसादी आप जितना मन है उतना सब पीजिए, दो गिलास तीन गिलास, मतलब घोरा हुआ वाला प्रसादी में गुड़ से बनता है, मेवा मावा क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं, अलग अलग सब जगह बोलते हैं। तो यहाँ पे आरती होने लगा, तो प्रसादी हम लोग का घोरा हुआ ज़्यादा बनता है, घोरा हुआ रहता है, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत पसंद आता है। मतलब जितना भी ड्राई फ्रूट्स डालिए, केला से गाढ़ा किया जाता है,
और केला को मत कर, दूध दूध में बनता है, गंगा जल थोड़ा बहुत डाला जाता है, दूध डाला जाता है और गुड़ में बनता है, चीनी नहीं डाला जाता। और जो सूखा प्रसादी रहता है वो थोड़ा थोड़ा ही बनता है, क्योंकि सूखा प्रसादी उतना कोई पसंद करते नहीं हैं। और घुरा हुआ प्रसादी आप जितना मन है उतना खाइए। और पटना वगैरह सब में देखते हैं कि जो घुरा हुआ वाला प्रसादी बनता है वो चन्ना अमृत मात्र एक चम्मच मिलता है, और सूखा हुआ वाला ही प्रसादी, मतलब ये सब जगह प्रसादी के नाम पर क्या बोलते हैं, लगता है जैसे ठका जाता है, मतलब ठका नहीं जाता, मजाक नहीं उड़ा रहा है, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा, हम जैसे हम लोग के मायके में जो होता है ना उसी तरीके का प्रसादी हम लोग को पसंद आता है। तो प्रसादी ये हुआ कि इतना भीड़ था, प्रसादी देते देते इतने थक गए थे कि मन भर गया था प्रसादी से। ये देखिए मेरी बड़ी वाली बहन की बेटी और छोटी वाली बहन की बेटी थी, तो इतने हम लोग थक गए थे कि एक गिलास पिए प्रसादी, सोचे कि और भी पियेंगे। और तो क्या हुआ कि मतलब ख़राब हो जाता, क्योंकि दोपहर से ही प्रसादी बन चुका था तो ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे प्रसादी बांटते बांटते दीदी बांटने के लिए यहाँ पे बैठी, मतलब हम लोग को दे रही थी गिलास में ढा ढा कर, और ट्रे में हम लोग बाहर सबको दे रहे थे। तो यहाँ पे तो ख़त्म हो गया था, तब मेरे हाथ में कैमरा मोबाइल आया, क्योंकि उस समय हम बांट रहे थे सभी को प्रसादी, ये मेरी छोटी बहन है तो सभी को प्रसादी बांट रहे थे, तो इसके कारण। और ये बोल रहा था ना कैब, ये मत ही यूट्यूब पे मत डालिएगा, ये बोल रहा था, और हम बोल रहे थे इसको हर यूट्यूब पे डालेंगे तुम्हारा वीडियो। बगल का भाभी का बेटा था, यहाँ सब भाभी लोग मजाक उड़ा रही थी। और यहाँ पे देखिए ये मेरा बड़ा भैया है, ये आता नहीं है, ना फोटो में आएगा ना वीडियो में आएगा, नहीं आता है, इसको चोरी से अभी लिए थे हम। और यहाँ पे बड़ी वाली दीदी और मझली वाली भी दीदी है देखिए, और ये मेरा पीला वाला जो टी शर्ट पहने हुए वो मेरा छोटा बड़ा भाई है, और ये चेरा भाई था उजला टी शर्ट वाला, ये मेरी जो भतीजी खड़ी है, और ये सब ये वाला छोटा भाई है मेरा। तो बस इंजॉय किए हम लोग बहुत, और उसके बाद शाम में सब खाना वगैरह सब खा ली। और उसके बाद ये देखिए छोटी वाली बहन जा रही है, रात में ही ये चली गई, आई थी दोपहर में लगभग 12 बजे के लगभग आई, और रात में पूजा ख़त्म होने के बाद खाना वाना खाने के बाद ये चली गई। और इसके बाद बड़ी वाली दीदी भी चली गई, रह गए सिर्फ रात में हम, मझली वाली भी दीदी बगल में रहती है तो वो भी रात में ही चली गई, और ये छोटी बहन की बेटी है बड़ी वाली। तो और दीदी का क्या हुआ कि कुछ सामान घर में ही छूट गया था, उसका मोबाइल वगैरह बड़ी वाली दीदी का, तो प्लेटफॉर्म हमको नाइटी में ही, नाइटी पहन के ही उसको फिर से हम प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने गए उसका सामान। उसके बाद हम भतीजी वैसे ही चले गए थे, गाड़ी से गए और गाड़ी से आ गए, लेकिन नाइटी पहन के ही गए थे। इंजॉय किए हम लोग, अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद लगभग 6 महीने के बाद गए थे हम। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।